सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू माजिद यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए। हेलो गाइस, दिस इज माजिद एंड यू आर वाचिंग हाउ टू माजिद यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड को इंस्टॉल करने के लिए किस तरह आप किस कोई भी यूएसबी में बूट बना सकते हैं और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ की प्लेस पे, ताकि जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करें तो आपका एंड्रॉयड प्ले हो, जैसे कि आपका मोबाइल ऑन होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें आपको बताने वाला हूँ बूट के थ्रू, जैसे कि हम विंडोज को यूएसबी में बूट करते हैं और उसको रन करते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर, तो उसी तरह हम आज एंड्रॉयड को इंस्टॉल करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह आप एंड्रॉयड को एज अ विंडो यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बिना टाइम खराब किए। तो गाइज, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूंगा आपको तीन रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं एंड्रॉयड को इंस्टॉल करने के लिए अपने पीसी में। नंबर वन पे है आपके पास एक यूएसबी हो, नंबर टू पे है आपके पास एंड्रॉयड जो वर्जन आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं 6.0, 7.0, 8.0 या कोई भी लेटेस्ट वर्जन जो भी आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उसके आपके पास ISO फाइल होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि ISO फाइल कहाँ से मिलेगी या एंड्रॉयड हम सॉफ्टवेयर जो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप 6.0 का। फर्दर आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं लेटेस्ट ISO में एंड्रॉयड का वर्जन 7.0 या 8.0। मैं जैसे आपको एक्सपेरिमेंट करके शो ऑफ कर रहा हूँ कि आप इस तरह अपना कोई भी एंड्रॉयड वर्जन हो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं ड्यूल रूट एंड्रॉयड सिस्टम में। तो नंबर वन पे हो गया हमारा यूएसबी, नंबर टू पे हो गया हमारा ISO सॉफ्टवेयर और ISO फाइल में एंड्रॉयड, और नंबर थ्री पे बूट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप रूफस करें। ये बहुत ही सिंपल है और इजी टू यूज़ है, तो मैं रूफस के ज़रिए ही इसको बूट बनाऊँगा यूएसबी में और उसके बाद हम एंड्रॉयड को इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने स्क्रीन की जानब चलते हैं और वर्किंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इधर आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, इधर मैंने बेसिकली एक एंड्रॉयड वर्जन 6.0 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले मैं इसको रूफस को ओपन करूँगा 2.1.4 को, और उससे पहले मैं आपको चेक करूँ मेरे पास जो USB है वो 8 GB का है, ये देख सकते हैं हम 8 GB का, और ये रूफिस हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ये आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं एक दफ़ा ओपन, ओपन हमने कर लिया है और उसके बाद अभी इसका अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं अपडेट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली आपको बताऊँगा, यहाँ से आपने इसको ओपन करना है जहाँ पर आपका ISO वर्जन फाइल पड़ा होगा, जो कि इस तरह का कुछ दिख रहा है, जैसे कि ये देख सकते हैं या ये देख सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। आप विंडो 10 का बूट बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं इस तरह ISO फाइल में डाउनलोड करने के बाद। तो मैं आप इस बेसिकली हम जो कर रहे हैं वो एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड का हम बूट बनाएंगे। तो इसको डबल क्लिक के साथ इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो इधर से आप इसको लेबल दे दें जो भी आप देना चाह रहे हैं। मैं इसको दे रहा हूँ एंड्रॉयड 6.0, क्योंकि ये मेरी फ्लैश ड्राइव जो है इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ 6.0, तो मैं इसको 6.0 का दे दूँगा। तो उसके बाद आप इधर से अगर आप इसको कुछ चेंज करना चाह रहे हैं फैट बत्ती में या जिस में भी आप रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा जैसे उसने डिफ़ॉल्ट वर्जन दिया है आप उसको वही कर दें। इसमें दो काम करने हैं, एक इधर से इसको ओपन करना है, उसके बाद इधर से जहाँ पर आपका ISO फाइल पड़ी होगी उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है इसके ऊपर, और उसके बाद ओपन करने के बाद आपको जस्ट करना क्या है स्टार्ट, और उसमें प्लीज़ क्लिक ऑन डिस्क बटन और टू सेलेक्ट अ बूटेबल इमेज और चेक द क्रिएट बटन। तो ये आपने ध्यान रखना कि आपका जो बूटेबल फाइल है वो इसके ऊपर आ जाए, जैसे कि ये देख रहे हैं यूजिंग इमेज एंड्रॉयड 6.0 OS। उसके बाद आपको जस्ट करना है स्टार्ट, और उसके बाद आपने कहा उसने कह रहा है कि ये मोड रिकमेंडेड है, तो आप जो रिकमेंडेड मोड हो उसको ही डिफ़ॉल्ट वर्जन यूज़ कीजिए। तो हम ओके करते हैं, तो ये हमें वार्निंग दे रहा है जो भी आपके USB में डाटा पड़ा है वो सब इरेज हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप MPT USB के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट करें जब भी आपको एंड्रॉयड इंस्टॉल करना हो अपने PC या लैपटॉप में। तो इधर से ओके करूँगा तो ये कुछ इस तरह का शो करेगा। ये भी हमारा बेसिकली ये बेसिकली बूट क्रिएट कर रहा है एंड्रॉयड का अपने USB में, जैसे कि हम विंडो को बूट बनाते हैं अपने USB में उसी तरह ये एंड्रॉयड का बूट बना रहा है
यूएसबी में। तो हम यूएसबी में दो तरह से एंड्रॉयड को प्ले कर सकते हैं। एक तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में। नंबर टू पे है कि हम अपने एंड्रॉयड को रन कर सकते हैं इन यूएसबी, यानी कि जस्ट एक दफ़ा रन होगा और उसके बाद अगर आपको दोबारा रन करना है तो जैसे आपका न्यू डिवाइस ओपन होता है बैग में से, मीन मोबाइल बॉक्स में से जैसे, तो उस तरह ये ओपन होगा अगेन। तो हमें सब कुछ अगेन सब इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर हम यूएसबी में ही रन करते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग। तो मैं इधर आपको इंस्टॉल करके प्ले करके दिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप उसे लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट में अपनी राय देंगे, मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी होगी। अगर नहीं देखनी तो मत कीजिएगा। तो अभी जो हमारा बूट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट बन चुका है और जस्ट ये कंप्लीट होगा तो हमारा बूट जो है रेडी हो चुका होगा। तो उसके बाद हम सिंपली जाएंगे अपनी नोटबुक आई मीन लैपटॉप के ऊपर और वहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और मैं वो आपको गाइड करूँगा करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके और आप भी एंड्रॉयड को इंस्टॉल कर सके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विद ड्यूल बूट। तो इससे अगर आप बूट नहीं बना सकते विंडोज़ की तरफ से या आप ये नहीं करना चाह रहे तो इससे पहले मैं भी एक मेरी वीडियो आपको आई बटन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। वो मैंने ब्लू स्टैक्स के जरिए एंड्रॉयड को प्ले किया था इन विंडो के अंदर ही, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो देख लें। वो भी एंड्रॉयड के रिलेटेड ही है, किस तरह एंड्रॉयड को इंस्टॉल करते हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंप्यूटर के ऊपर प्ले करते हैं। तो ये हमारा जब तक हो जाता है बूट तब तक हम वेट करते हैं। तो ये हमारा जो एंड्रॉयड का बूट था वो प्रॉपरली हो चुका है डिवाइस में, क्योंकि यूएसबी हमने लगाई थी उसके अंदर ये बूट बन चुका है। देखें ये उसका बूट इंस्टॉल इंस्टॉल जो भी इसका उसने देना था एंड्रॉयड का वो इसमें क्रिएट कर चुका है। यूएसबी दिखा रहा हूँ आपको एंड्रॉयड 86, और ये देखें मेरे पास इतनी स्पेस एम्प्टी है इसके अंदर। तो अभी हमें करना क्या है, जो हमारा यूएसबी है उसको हम उतारेंगे अपने पीसी के साथ और जो भी जिसमें भी इंस्टॉल करना है। अगर पीसी में करेंगे तो फिर हमें इसको पीसी को ऑफ करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी इधर एक नोटबुक जो है मौजूद है जिसके अंदर मैंने एंड्रॉयड इंस्टॉल करना है और मैं उसको ही यूज़ करते हुए आपको दिखाऊंगा। तो चलें चलते हैं अपने नोटबुक की जानिब, तो स्टे ट्यून। तो गाइज ये है हमारी वो यूएसबी जिसमें हमने अपने एंड्रॉयड को बूट किया हुआ और हमने सिंपली अपने लैपटॉप में इसको इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद हमें इसको करेंगे पावर बटन को ऑन, और उसके बाद ये जैसे आम लैपटॉप ऑन होता है उस तरह ऑन होगा एक दफ़ा, और उसके बाद सिंपली ये एंड्रॉयड का बूट शो कर देगा जो हमने बूट बनाया हुआ, जैसे विंडोज़ ऑटो रन करती हैं ये आप देख रहे होंगे। और इसमें आपने से जो इसमें से आपने जो है चौथे वाला यानी कि इंस्टॉल एंड्रॉयड इन टू योर हार्ड डिस्क और वो फोर्थ वाला सेलेक्ट करना है और एंटर करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का आपको व्यू देने के बाद इसका एंड्रॉयड का इंस्टॉलेशन मैप दिखाएगा आपको, जैसे विंडोज़ का इंस्टॉल करते हैं। देखिए चार कैटेगरीज आ गई, इसमें से जो सी ये वाली है ये आपका जो है नंबर फोर वाला, ये आपका फ्लैश ड्राइव है, इसमें आपने नहीं इंस्टॉल करना। अगर इसमें करेंगे तो आपका दूसरा जो एंड्रॉयड बूट किया हुआ है वो ख़राब हो जाएगा, और ये पहले वाला विंडो वाला जो आपका विंडो का है, दूसरे वाला जो आम हार्ड डिस्क होता है, तीसरे वाले भी आम हार्ड डिस्क होता है। तो मैं अभी करूँगा तीसरे वाले में, इधर करूँगा अभी तीसरा वाला। आपका जो भी आपने हार्ड लगाया हुआ उसको उस मुताबिक आपको जो भी उसका पता चल जाएगा। तो अभी सिंपली हम करेंगे एंटर, उसके बाद हमें फॉर्मेट करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें डेटा मेरा पड़ा हुआ उसमें भी, तो इसको इसी तरह हम इसको रन करेंगे। और उसके बाद हम डू नॉट फॉर्मेट नाम से इसको हम करते हैं ओके। उसके बाद डू यू वांट टू इंस्टॉल बूट लोडर, उसके बाद आपने यहाँ से करना है इसको येस, डू यू वांट टू इंस्टॉल बूट लोडर GRUB, और आफ्टर एंटर करेंगे। और द इंस्टॉलेशन फाउंड आवर विंडोज़ पार्टीशन इन डिवाइस SD1, डू यू वांट टू क्रिएट अ बूट आइटम फॉर विंडोज़। अगर तो आपके पास विंडोज़ इंस्टॉल है अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो ये तो मस्ट है ना, आपको इसको येस ही करना पड़ेगा और एक बूट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी विंडो को रन करने के लिए। तो जैसे भी इसको भी हम करेंगे येस और प्रेस करते हैं हम भाई एंटर, और उसने कहा डू यू वांट टू इंस्टॉल EFI Grub 2, इसको आप स्किप कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एंड्रॉयड वर्क नहीं करता तो देन आप इसको अगेन इंस्टॉल करें और देन प्रेस येस, अदर आपको इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको एक दफ़ा करते हैं स्किप, और उसके बाद डू यू वांट टू इंस्टॉल सिस्टम डायरेक्टली एज रीड राइट,
तो इसके लिए हमें करना है यहाँ से सिलेक्ट यस, क्योंकि भाई देन गाइड इट्स अबाउट टू एंड एंड ये 90 पे आके वापस आ रहा है, इससे आपने परेशान नहीं होना, ये वैसे ही करता है। तो ये ऑप्शन काफ़ी आपका ये जो सा है इम्पोर्टेड है, इसमें आपने काफ़ी ध्यान से इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम का साइज़ 2 GB है, 4 GB है, 16 GB है, 32 GB, जितनी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होगी इंटरनल साइज़ की, उस हिसाब से आपने इसको चूज़ करना है और इसको आपने एंटर करना है MB में, और 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, तो आपने कैलकुलेट करना है जितनी आपको स्पेस रिक्वायर्ड हो, और यस करने के बाद जरा आपने करनी है एंटर जितनी भी आपको रिक्वायर हो। मैं अभी के लिए इसको कर रहा हूँ 2 GB, मीन के 1024 × 2 2048। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अपने नीड के मुताबिक, अगर आपका PC हाई है या लो है। तो इसके बाद आपको करना है एंटर सिंपली, और ये अभी 2048 या 2048 MB में इसको डाटा क्रिएट करेगा इंटरनल साइज़ के लिए। तो ये काफ़ी टाइम लेने वाला है, अगर आपका PC फास्ट है तो ये बेसिकली नोटबुक है इंटेल एटम, तो ये ज़रा टाइम लेगा। अगर आपका PC ज़्यादा हाई स्पेक का है या कोड ड्यूल है तो इतना टाइम नहीं लेगा, वो जल्दी कर लेगा। तो तब तक हम करते हैं वीडियो को पॉज, ये इंस्टॉल ऑल है, एक्सपेक्ट टू राइट ऑल है, तो उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे 90 से अबाउ 95 6 पे। तो तब तक करते हैं वीडियो पॉज। देन गाइस, जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो 97 तक पहुंच चुकी है, तो जैसे ही कंप्लीट होती है तो हम आगे के स्टेप जो है वो आपको गाइड करते हैं। तो अभी 98 पे आ गई है, एंड देखते हैं जी कहाँ तक भागता है। जैसे 99 और जी जी 100 हो गई है। तो इसके बाद जनाब ये अभी साइन कर रहा है, तो अभी आप इसको यहीं से भी एंड्रॉइड को रन कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप रीबूट करें, ताकि मैं बच सकें विंडोज़ का ऑप्शन हमें देता है या नहीं देता है। तो अभी हम इसको रिबूट करते हैं और चेक करते हैं भाई हमारी विंडोज़ प्ले होती है साथ में या जैसे एंड्रॉइड ही प्ले होगा। एंड्रॉइड तो प्ले हो जाता है पर विंडोज़ प्ले नहीं होती। तो गाइस फाइनली जो हमारा विंडोज़ का है वो ऑप्शन आ चुका है। अगर आपने इंस्टॉल किया है जैसे मैंने आपको गाइड किया है प्रॉपरली, तो आपको जस्ट अपना USB उतारना है और फिर एंड्रॉयड को प्ले करना है और ये चेक करना ऑप्शन का, आपको ये विंडोज़ वाला ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन से आप विंडोज़ रन करेंगे और इस ऑप्शन पहले वाले से आप अपना एंड्रॉयड पर रन करेंगे। तो जब हम एंड्रॉयड को रन करते हैं 6.0 जो मैंने इंस्टॉल किया, आप 9.0 तक भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC में ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अभी हम जैसे एंड्रॉयड इंस्टॉल कर चुके हैं और उसका हम एक दफ़ा लुक देखेंगे इंस्टॉलेशन के बाद किस तरह का मिलता है हमें लुक। तो ये कुछ इस तरह का, जैसे कि हमारा टैबलेट ऑन हो रहा है वैसे ही ऑन होगा, तो तब तक वेट करते हैं जब तक ये ऑन होता है। तो गाइस हमारा जो एंड्रॉयड है वो ऑन हो चुका है इस तरह कि जैसे कि हमने कोई भी टैबलेट या मोबाइल उसके बॉक्स में से निकाल कर उसको ऑन किया है। तो क्योंकि मैं लैपटॉप में हूँ तो मेरा ये वाला जो माउस है ये वर्क कर रहा है इस माउस की जगह पे। तो अभी हम इसको करते हैं एक दफ़ा दिस नेक्स्ट, अभी हम करते हैं इसको नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे। और उसके बाद अगर आप इसको वाईफाई कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं मेरे पास अभी अवेलेबल है, ये तीनों ही बेसिकली मेरी हैं, तो मैं सभी को एक को तो इसको वेरीफाई करूँगा। तो इसको भैया कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये मैं जो है गया कनेक्टेड हो चुकी डिवाइसेस, और ये बहुत नेक्स्ट पे अभी चला जाएगा। अगर आप वाईफाई नहीं कनेक्ट करते तो आपको यहाँ से स्किप करना पड़ेगा। तो ये फ्यू सेकंड्स लेगा और ये कनेक्शन वगैरह चेक करने के बाद आगे प्रोसीड कर देगा। अगर आप इधर जीमेल का लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं।
तो गाइज उसका जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये आ रहा है कि आपको अगर गूगल अकाउंट से अपनी जो ऐप्स वगैरह या डाटा वगैरह कॉपी करना चाह रहे हैं तो इसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो मैं अभी नहीं करना चाहूँगा, तो मैं जस्ट इसको एक दफ़ा आपको रन करके दिखा दूँ। उसके बाद इसके लिए मैं करूँगा नो थैंक्स, और नो थैंक्स के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और देन नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ फ्यू सेकंड्स लगेगा नेक्स्ट प्रोसीड होने के लिए। एक दफ़ा सेटअप करना होता है जैसे कि आप न्यू मोबाइल का करते हैं, बाद में ये सेटअप आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो इधर आप अपना ईमेल लगा कर अपना अकाउंट साइन कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा इसे कर रहा हूँ स्किप, यहाँ से एक ऑनर ने उसको ऑप्शन दिया हुआ है स्किप का, तो इधर इसको स्किप करते हैं। और मैं इसको कह रहा हूँ ना अभी स्किप करें, मैं बाद में इसको साइन इन करूँगा। तो इधर अपना नाम देना, जो भी अपना नाम देना हो ईजिली दे सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और इसको आप नेक्स्ट कर दें बाय माउस, क्योंकि माउस के थ्रू ये अभी ये बर्गर पे टच है नहीं है, तो अभी नेक्स्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह देगा। उसके बाद आपने अगर अपना अकाउंट अगर कोई लॉगिन करना चाह रहे हैं इन सब में से तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नोट नाउ पे क्लिक करना है और आप नेक्स्ट ऐप पे प्रोसीड हो जाएंगे। और इधर से ये नीचे वाले साइन से नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो एंड्रॉयड है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका सेटअप वगैरह ये देख सकते हैं कि आप ये एक एंड्रॉयड टैबलेट की लुक दे रहा है, ये आपका है मिनी लैपटॉप। तो मैं एक दफ़ा आपको इसका ओवरव्यू दिखा दूँ कि इसके अंदर इसने स्पेस कितनी बनाई है। तो उसके लिए जनाब हम इसको करते हैं ओपन और इसकी खोलते हैं सेटिंग्स सबसे पहले। सेटिंग को ओपन करने के बाद हम जाते हैं सिंपली नीचे और अबाउट टैबलेट को हम ओपन करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स ने लेनोवो बताया, क्योंकि लेनोवो का लैपटॉप है तो उस लिहाज से इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 6.0.1 है। और अभी हम इसके चेक करने वाले स्पेस, तो स्पेस चेक करने के लिए अभी हम जाएंगे वापस अपने सेटिंग में बार में और मेमोरी में जाएंगे, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसने मुझे देखें ये 2.0 GB जैसे कि हमने वहाँ पर सेलेक्ट की थी आपको मैंने दिखाने के लिए, तो इसमें से एवरेज जो उसने 32% जो है वो यूज़ एवरेज यूज़ की है उसने, और फ्री जो है वो 1.3 GB इसमें अवेलेबल है और प्रोमोस की नॉर्मल। तो अभी हम इसके रहे एक दफ़ा बैक और मज़ीद हम इसको चेक करेंगे एक दफ़ा और इसमें क्या भाई फंक्शन है, और जो स्टोरेज एंड USB है वो भी हम चेक करेंगे, वो इसमें 7 यूज़ की इसमें 1.94 GB, 79.54 MB इसमें इसमें हल यूज़ की है इसमें पूरी ड्राइव में से। तो हम एक दफ़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो बैक जाते हैं एक दफ़ा और इसका फीचर देखते हैं। देखें ये बैटरी दिखा रहा है और ये ब्लूटूथ जैसे कि आपके लैपटॉप में मौजूद होगी तो वो भी वर्क करेगी, और ये वाईफाई जैसे कि आप मोबाइल में होती है जैसे कि ये तो शो करवा रहा है सब कुछ। तो और ये जिसका ये नोटिफिकेशन बार और इधर वाला नोटिफिकेशन बार सेटिंग वाला, और ये जैसे भी कोई यूज़र वगैरह का आपका होगा और सिक्योरिटी है, अकाउंट्स हैं, लोकेशन जो भी आपका फर्दर होता है। और अभी बैक करते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपका जो है प्ले स्टोर ये तब एक्सेस होगा जब अपने आप जीमेल लगाएंगे और प्रॉपर वर्क करेंगे इसका, जैसे कि मोबाइल सेटअप करते हैं, कॉन्टेक्स्ट वगैरह म्यूज़िक है, और ये एक मेरे ख्याल से कैमरे के लिए फंक्शन है, आप इसको अलाउ करेंगे तो ये हमारा कैमरे का भी ऑप्शन कर देगा अलाउ। तो इसका फ्रंट कैम है तो फ्रंट कैम ही इसका ऑन होगा, ये देखें ये ऑन हो चुका है और अभी हमें इसका प्रीव्यू ले रहे हैं। तो अभी बैक जाते हैं एक दफ़ा क्योंकि भाई मेरी फेस का जो हुडिया है वो अच्छा नहीं दिख रहा। तो उसके बाद आप जब हम फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे जो कि यहाँ पे मौजूद है, और इसके हम एक दफ़ा सब कुछ चेक करेंगे कि क्या इसका दबदल है। क्या कहते हैं जनाब ये इंटरनल स्पेस और जो भी इसका सब कुछ आ चुका है इसका फिर जो भी है, और एक्सटर्नल देखेंगे सिक्योर स्टोरेज एजेंसी भी है तो इसमें तकरीबन सारी फाइल्स आती हैं जी जो है उसके दिया गया स्टोरेज। आप इसको पासवर्ड भी दे सकते हैं और उसके
कर सकते हैं और कैंसिल भी करके यूज़ कर सकते हैं, इससे बैक देते हैं। तो अभी अगर आपको इसको ऑफ़ करना है तो किस तरह करेंगे, ये जो आपका जो पावर बटन होता है पीसी के ऊपर इस तरह का, आप इसको एक दफ़ा जस्ट एक दफ़ा सिंपल प्रेस करेंगे और ये देखें ये पावर ऑफ का साथ में साइन दे देगा। तो आप इसको सिंपली एक दफ़ा पावर ऑफ करेंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा और ये भी चेक कीजिएगा इसकी स्पीड ऑफ होने की, तो ये ऑफ होने लगा है। तो जल्द ही ऑफ हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम रन किया इस वजह से इस तरह कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने उन दोस्तों के लिए साथ भी शेयर करें जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना चाह रहे हैं और अपना एंड्रॉयड वगैरह में इंटरेस्टेड हैं और इस तरह के काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, उसको वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, और कमेंट में अगर आपको कोई भी इशू फेस आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।